मैं हूं आशिकीन कुरेशी, आप देख रहे हैं जीपीएन 7 न्यूज। बात अब अवैध कॉलोनियों की। प्रशासन ने अवैध कॉलोनियां काटकर भोली भाली जनता को बेचकर उनको परेशानी में डालने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की तैयारी कर ली है। प्रशासन ने शहर के लोगों पर शिकंजा कसने के लिए अमरोहा की अवैध कॉलोनियों को चिन्हित कर वहां डीएम के आदेश पर बोर्ड लगा दिए हैं। उस पर लिखा गया है कि यह कॉलोनी अवैध है, यहां खरीद फरोख्त और निर्माण करना पूरी तरह से अवैध है, इसको ध्वस्त किया जाएगा। इस तरह के बोर्ड रायपुर रोड, कैलसा बाईपास रोड, मोहल्ला कुरेशी के छतरी वाले बाग के पास, वास्तु तीर्थ के पास बनी कॉलोनियों व अन्य स्थानों पर विनियमित क्षेत्र द्वारा लगाए गए हैं, जिससे निर्माण कर रहे लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। विनियमित क्षेत्र की टीम जब बोर्ड लगाने वहां पहुंची तो उनको यहां कई जगह अवैध निर्माण करते हुए लोग मिले, लेकिन कमजोर विनियमित क्षेत्र के अधिकारियों द्वारा मना करने के बाद भी किसी ने निर्माण कार्य नहीं रोका, जो विनियमित क्षेत्र की कमजोरी की पोल खोलता है। डीएम के आदेश पर शहर में बन रही अवैध कॉलोनियों पर खरीद फरोख्त और निर्माण न करने के बोर्ड तो लगाए गए हैं, इन पर कितना अमल होगा ये तो समय ही बताएगा। मामूली पैसों में जमीन खरीद कर उस पर बड़ी कॉलोनियां बनाकर धन कमाने का धंधा अमरोहा में जोरों पर चल रहा है। कॉलोनाइजर कम एरिया का लेआउट पास कराकर अधिक पर निर्माण करने से बाज नहीं आ रहे हैं। जोया रोड पर बनी कई बड़ी कॉलोनियों के लेआउट अगर चेक किए जाएं तो उनकी हकीकत सामने आ जाएगी। कुछ लोग पूरी तरह से दबंगई से काम कर रहे हैं, होशक तालाब हो या अन्य स्थानों के वक्फ कब्रिस्तान, बिना लेआउट पास कराए, बिना कॉलोनी के मानकों को पूरा किए दबंगई के साथ अवैध कब्जे व अवैध निर्माण कर रहे हैं, जिन पर लगाम लगाने वाला कोई नहीं है। डीएम के आदेशों को सख्ती से लागू करने के आदेश एडीएम रण विजय सिंह ने विनियमित क्षेत्र के कर्मचारियों व अधिकारियों को दिए थे, जिस पर विभाग ने कार्रवाई की है।